स्कूल की प्रिंसिपल ने बहुत ही कड़े शब्दों में जब किसान की बेटी रानी से पिछले एक साल की फीस मांगी तो रानी ने कहा, मैडम मैं घर जाकर आज पिताजी से कह दूंगी। घर जाते ही बेटी ने माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो रात से ही खेत में हैं। बेटी दौड़ती हुई खेत में जाती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। रानी का पिता बेटी को गोद में लेकर प्यार करते हुए कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अपनी मैडम को कह देना अगले हफ्ते सारी फीस जमा हो जाएगी। क्या हम मेला भी जाएंगे? रानी पूछती है। हाँ हम मेला भी जाएंगे और पकौड़े बर्फी भी खाएंगे, रानी के पिता कहते हैं। रानी इस बात को सुनकर नाचने लगती है और घर आते वक्त रास्ते में अपने सहेलियों को बताती है कि मैं अपने माँ पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी, पकौड़े बर्फी भी खाऊंगी। ये बात सुनकर पास ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला कहती है, बेटा रानी मेरे लिए क्या लाओगी मेले से? काकी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं आपके लिए नए कपड़े लाऊंगी, रानी कहती हुई घर दौड़ जाती है। अगले दिन रानी स्कूल जाकर अपनी मैडम को बताती है कि मैडम इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अगले हफ्ते सब फसल बिक जाएगी और पिताजी आकर सारी फीस भर देंगे। प्रिंसिपल, चुप करो, तुम एक साल से तुम बहानेबाजी करती आ रही हो। रानी चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाती है और मेला घूमने के सपने देखने लगती है। तभी ओले पड़ने लगते हैं, तेज बारिश आने लगती है, बिजली कड़कड़ाने लगती है, पेड़ ऐसे हिलते हैं मानो अभी गिर जाएंगे। रानी एकदम घबरा जाती है, रानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, वही डर फिर सताने लगता है, डर सब खत्म होने का, डर फसल बर्बाद होने का, डर फीस ना दे पाने का। स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो धीरे धीरे कांपती हुई घर की तरफ बढ़ने लगी। हुआ भी ऐसा कि सभी फसल बर्बाद हो गई और रानी स्कूल में फीस जमा नहीं कर पाने के कारण ताना सुनने लगी। उस छोटी सी बच्ची को मेला घूमने और बर्फी खाने का शौक मन में ही रह गया। छोटे किसान और मजदूरों के परिवार में जो दर्द उसे समझने में पूरी उम्र भी गुजर जाएगी तो भी शायद वास्तविक दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं आप। भारत के आम किसान का वास्तविक दर्द यह है।